तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर रिव्यू। तो जिस गाड़ी का जो मैं आपके लिए रिव्यू लेके आया हूँ, ये है टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट टोयोटा यारिस सीवीटी 1.5 ATV X। तो ब्लैक कलर का ये इस गाड़ी का कलर है और टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। इस वीडियो में हम थोड़ा बहुत मैंने चेंज किया अपना फॉर्मेट के, इसमें हम जो इंडियन मार्केट में जो ऑफ़र की जाती है टोयोटा यारिस और जो लोकल मार्केट में जो मेरे सामने खड़ी हुई है, इस दोनों गाड़ियों के बीच में हम कंपैरिजन करेंगे। इसका हम इंटीरियर कंपैरिजन करेंगे, एक्सटीरियर, इंजन और प्राइस को कंपैरिजन करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें इंडियन मार्केट में ऑफर करते हैं की गई है इस गाड़ी में और लोकल मार्केट में क्या ऑफर की गई है। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाड़ी के इंजन की तरफ आएँ तो टोयोटा यारिस ने हमें 1.3 CC और 1.5 L पेट्रोल इंजन हमें टोयोटा यारिस के मॉडल्स में इंट्रोड्यूस कराया है। इस गाड़ी का जो मैंने रिव्यू किया, ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। इसमें 1.5 CC का हमें डुअल VVT-i पेट्रोल इंजन मिल जाता है, इन लाइन फोर सिलेंडर, जो कि 106 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और 140 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ये वही सेम इंजन है जो कि इंडियन मार्केट में भी आता है। इंडियन मार्केट में मैनुअल 6 स्पीड के साथ आती है इंजन 1500 CC, और CVT-i ट्रांसमिशन के साथ आपको 1500 सेम यही इंजन देखने को मिलता है। फिलहाल की बात करें तो ये आपको गाड़ी इन सिटी और लॉन्ग पे दोनों के मिला के बताऊँ तो 14-16 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज गाड़ी देती है। तो गाड़ी के पसीने की तरफ आते हैं तो सबसे पहले गाड़ी का फ्रंट देख लें तो गाड़ी का फ्रंट देखना काफ़ी डिसेंट है। बेसिक ऑप्शन दी गई है, ज़्यादा कोई इतनी ऑप्शन नहीं दी गई। लाइट की तरफ देख लें तो आपको फ्रंट में आपको तीनों लाइट्स आपको हेलोजन में मिल जाती हैं। इंडियन वेरिएंट में आपको रिलेटेड हेडलाइट्स मिल जाती है आपको। और नीचे की तरफ देखें तो DRL है और नीचे आपको फॉग लाइट्स मिल जाती है प्री इंस्टॉल्ड। फ्रंट पे आपको प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया, ब्लैक प्लास्टिक, एक छोटा का एम्बलम और बाकी बेसिक ऑप्शंस दी गई हैं गाड़ी के फ्रंट में। गाड़ी देखने में काफ़ी डिसेंट लगती है, कोई इतनी कोई स्पोर्टी लुक गाड़ी प्रोवाइड नहीं करती। गाड़ी की साइड की तरफ आएँ तो आपको फेंडर में डुअल VVT-i की बैजिंग मिल जाती है। नीचे हम अलॉरियम्स की बात करें तो आपको 15 inch की आपको एलुमिनियम के अलॉरियम्स मिलते हैं, 185/60 के टायर मिलता है। इंडियन वेरिएंट में आपको दूसरे मिलते हैं अलॉरियम्स, जो मैं डिस्प्ले कर दूँगा। फ्रंट पे आपको डिस्प्लेक्स मिल जाती हैं विद ABS, VSC और बैक पे आपको ड्रम ब्रेक्स मिल जाती हैं। गाड़ी की साइड मिरर्स की बात करें तो कलर साइड मिरर्स मिलते हैं विद साइड इंडिकेटर, क्रोम के हैंडल है विद स्मार्ट एंट्री ऑप्शन और ऊपर आपको ये मिल जाते हैं। गाड़ी की बैक फेंडर के नीचे देखें तो जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि बैक में आपको ड्रम ब्रेक्स मिल जाती हैं, जबकि इंडियन मॉडल में आपको डिस्क ब्रेक्स मिल रहे हैं। फ्रंट पर दोनों डिस्क ब्रेक मिलती है। गाड़ी की बैक की तरफ आए तो गाड़ी की बैक देखने में काफ़ी खूबसूरत है। फ्रंट के मुकाबले में आपको ईगल टाइप की शेप की लाइट मिल जाती है, LED लाइट है, साथ आपको रिवर्स लाइट और इंटीग्रेटेड लाइट आपको हैलोजन में मिलती है। टोयोटा की टिपिकली जो बैजिंग देते हैं बाहर पे पूरा डिगी और बैजिंग से बड़ी होती है, यारिस 80 Flex और टोयोटा 1.5 CVT-i की बैजिंग, टोयोटा का एम्बलम। आपको टोयोटा लाइट वेरिएंट में आपको फ्रंट बैक कैमरा मिलता है, आपको प्री इंस्टॉल्ड नंबर प्लेट की ऑप्शन। बम्पर की तरफ देखें तो आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं दोनों तरफ। इंडियन मॉडल में भी सेम बैक है और ऊपर की तरफ देखें तो आपको हाई माउंटेड ब्रेक लैंप, ABS और VSC के आपको ये स्पीकर और ऊपर आपको एक एंटीना दिया गया है। गाड़ी की बूट स्पेस चेक कर लेते हैं अब हम। गाड़ी का बटन दबाते ही गाड़ी की बूट स्पेस मिल जाएगी। गाड़ी की बूट स्पेस की बात करें तो तकरीबन सीढ़ी जितनी बूट स्पेस ही है, दो आराम से आ सकते हैं इसमें, बड़े लगेज और छोटा मोटा सामान और आ सकता है। बूट स्पेस की बात करें तो 471 L का गाड़ी का बूट स्पेस है। नीचे की तरफ देखें तो आपको ये उन्होंने बड़ा सस्ता सा काम किया हुआ है, ये कपड़ा रखा हुआ है, नीचे से ये उन्होंने कार्डबोर्ड की चीज़ रखी हुई है, इसके नीचे आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है। थोड़ा सा अगर पैसा खर्च करते तो ज़रा थोड़ा सा अच्छी मटेरियल यूज़ करते, ट्रेड टाइप एक दे देते हैं तो अच्छी बात थी। ऊपर इन्होंने ये अच्छी बात की हुई है कि ऊपर थोड़ा सा एक कवर लिट लगाई हुई है, जो कि गाड़ी की जो बैक ट्रंक है उसको कवर कर रही है। गाड़ी की उस साइड पे तरफ है तो आपको बैक फेंडर में फ्यूल टैंक ओपनर की स्पेस मिल जाती है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 42 L का फ्यूल टैंक मिल जाता है। अब इस साइड पर भी गाड़ी में आपको सेम स्पेसिफिकेशंस मिल जाती है। गाड़ी की टी में जाने से पहले की तरफ देख लें तो आपको स्की में आपको लॉक अनलॉक और बूट रिलीज बटन मिल जाता है और इस बटन की गाड़ी में स्मार्ट एंट्री है, तो इंडियन मॉडल में भी आपको स्मार्ट एंट्री की ऑप्शन दी गई है। तो गाड़ी को हम ओपन करते हैं और गाड़ी के अंदर चलते हैं। गाड़ी के अंदर जाने से पहले आप डोर की तरफ देख लें तो आपको डोर ब्लू कलर का मिलता है, आपको बेज कलर के साथ ये थोड़ा ब्लैक कॉम्बिनेशन दिया गया है। क्रोम का हैंडल है, और मेडिकल कंट्रोल्स, ड्राइवर साइड ऑटो है, सेंटर लॉकिंग का बटन और साइड मेडिकल कंट्रोल्स के बटन दिए गए। नीचे की तरफ देखें तो आपको स्पीकर की ऑप्शन दी गई है साइड पे और यहाँ बोतल रखने की स्पेस दी गई है। सीट की तरफ देखें तो इस गाड़ी की जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, इसकी गाड़ी की सीट्स फैब्रिक सीट्स है,
लेदर सीट्स नहीं है इसमें किसी भी वेरिएंट में, जबकि इंडियन मॉडल में आपको लेदर सीट्स मिलती हैं कंपनी फिटेड। नीचे की तरफ देखें तो आपको यहाँ ट्रंक ओपनर का बटन और फ्यूल टैंक ओपनर की स्पेस का बटन मिल जाता है। अपने गाड़ी के अंदर बैठते हैं और हैंडल की तरफ देख लेते हैं। गाड़ी के हम अंदर बैठते ही हम हैंडल की तरफ देखें तो गाड़ी का हैंडल हमको ट्रोला की तरह का मिलता है, और जिसमें ये लेदर स्टिच हैंडल नहीं है। इंडियन मॉडल में आपको लेदर स्टिच हैंडल मिल जाता है। और एयरबैग्स की बात करें तो इसमें आपको ड्राइवर साइड पे हैंडल मिलता है और एक पैसेंजर साइड पे, जबकि आपको इंडियन मॉडल में आपको 7 एयरबैग्स मिल जाते हैं, कर्टन एयरबैग, नी एयरबैग एक्सेट्रा। और बाकी हम इधर आपको मल्टीमीडिया कंट्रोल्स है, इस साइड पे आपको ये मीटर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। हैंडल की राइट साइड पे देखें तो आपको लाइट के कंट्रोल और इस साइड पे आपको वाइपर कंट्रोल्स मिल जाते हैं। जी हैंडल की राइट साइड पे देखें तो आपको यहाँ एसी विंग्स मिल जाते हैं, बड़े खूबसूरत किस्म के डिज़ाइन किए गए हैं सिल्वर के साथ। नीचे की तरफ देखें तो पुश टू स्टार्ट का बटन, नीचे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ का बटन, इको मोड और स्पोर्ट्स मोड दिया गया है। इंडियन मॉडल में आपको इसमें प्री इंस्टॉल्ड आपको ये साइड पे क्या कहते हैं, यहाँ ऑप्शन दी भी गई है, क्या कहते हैं उसकी, क्रूज कंट्रोल की साइड पे मिल जाता है। और आपको पेडल शिफ्टर्स भी आपको कंपनी फिटेड मिल जाते हैं टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में VX में। और ऊपर यहाँ ट्विटर रख दिया गया इस साइड पे, और एक ही साइड पे ट्विटर दिया गया है। सेंटर की तरफ देखें तो आपको एक बड़े खूबसूरत किस्म की एलसीडी मिलती है आपको। पर सबसे पहले गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। LCD ये फुल टच 7.1 इंच है मेरे ख्याल से, ये टच इंफोटेनमेंट सिस्टम है तो काफ़ी अच्छा इसका टच है ये देखें। बाकी मज़ीद आपको मैं इस गाड़ी का नीचे की तरफ आएँ तो यहाँ आपको दो स्विंग्स मिल जाते हैं, क्रोम की लाइनिंग दी गई साइड पे, और नीचे की तरफ देखें तो आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, और ये तकरीबन विजल से मिलता जुलता आपको लगता है, और इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है एसी की। आपको दिखाता हूँ मैं आपको, कूलिंग बड़ी अच्छी है इस गाड़ी की, और इधर हैजर्ड वार्निंग का बटन। नीचे की तरफ देखें तो आपको 2 कप होल्डर की स्पेस दी गई है, और मज़ीद देखें तो इस साइड पे आपको ये वही CVTi जो ग्रैंडी में गियरबॉक्स आता है, वही 7-speed CVTi ट्रांसमिशन के साथ ये गाड़ी आती है। तमाम जो ऑटोमेटिक वेरिएंट है इंडियन मॉडल में भी आपको यही ऑप्शन मिलती है CVTi की, आपको जो ग्रैंडी में ऑप्शन मिलती है। इस साइड पे आपको मैनुअल हैंड ब्रेक या थोड़ी कॉइन्स रखने की स्पेस, या 12 वोल्ट का आपको चार्जिंग सॉकेट की स्पेस मिल जाती है। आपको आर्मरेस्ट दिया गया जो कि काफ़ी अच्छी ऑप्शन है कंपनी फिटेड, और इधर थोड़ी सी स्पेस है बिल्कुल मामूली सी। बाकी इधर ड्राइवर साइड के नीचे देखें तो आपको ग्लव बॉक्स में काफ़ी डिसेंट स्पेस दी गई है। उस साइड पे भी आपको सेम ऑप्शंस, पावर विंडो कंट्रोल, क्रोम का हैंडल, नीचे स्पीकर दिया गया है। गाड़ी के हम ऊपर बात करें ड्राइवर की शेड की तो आपको यहाँ वैनिटी मिरर दिया गया है, और लाइट की ऑप्शन नहीं है, बैक व्यू मिरर इसका ऑटो डिमिंग नहीं है। ऊपर की तरफ देखें तो आपको हैलोजन लाइट्स मिल जाती है, कैबिन लाइट्स, और पैसेंजर साइड पर भी आपको वैनिटी मिरर दिया गया है शेड में। अब गाड़ी के मीटर की तरफ आते हैं जो हमने पहले छोड़ दिया था। गाड़ी के मीटर की बात करें तो गाड़ी का मीटर देखने में काफ़ी खूबसूरत है, और जिसमें आपको लेफ्ट साइड पे आपको RPM मीटर, सेंटर में स्पीड मीटर, और राइट पे आपको MID मिल जाती है। इसका कंट्रोल आपको इसी में मिलेगा, हैंडल पे, स्टीयरिंग व्हील पे। इसमें आपको इको मोड की शो हो रही है, आपको ड्रिंकिंग सेटिंग्स वगैरह, और डिजिटल मीटर शो हो जाता है, ट्रिप बी वगैरह, फ्यूल एवरेज वगैरह शो हो जाती है। इस गाड़ी का जो है मैनुअल एडजस्टेबल इसका स्टीयरिंग है, नीचे की तरफ से एडजस्ट हो जाता है, ऑटोमेटिक नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। बाकी गाड़ी जो फील जो अंदर आके आती है, बिल्ड क्वालिटी वगैरह गाड़ी की काफ़ी अच्छी है, प्लास्टिक यूज़ किया, हार्ड लेदर गाड़ी में कहीं भी यूज़ नहीं किया, ये कॉन्ट्रास्ट कोई भी है आपको उसको शो कराने के लिए कि लेदर है, लेकिन ये सारा प्लास्टिक ही है। ये सिल्वर का थोड़ा डिज़ाइनिंग की गई है, इस्तेमाल किया गया है इस साइड पर, क्योंकि गाड़ी में काफ़ी अच्छी प्रीमियम लुक दे गया था। इस साइड पर आपको हैंडल मिल जाता है, ड्राइवर साइड की तरफ नहीं है, और ये गाड़ी के बिल्कुल बेसिक ऑप्शन है। सिटी के मुकाबले में मैं कह सकता हूँ कि आपको रिकमेंड कर सकता हूँ कि सिटी से कि अच्छा आप ये ले लें जो क्लाइंट जनरेशन है उससे अच्छा। चलिए हम गाड़ी के बैक की तरफ चलते हैं। गाड़ी की बैक की तरफ डोर खोलें तो बैक डोर में भी आपको सेम ऑप्शंस मिलती हैं, आपको 2-tone कलर का इसका डोर है, आपको क्रोम का हैंडल, पावर विंडो कंट्रोल, और नीचे स्पीकर के साथ एक कप होल्डर की स्पेस दी गई है। गाड़ी के लेग स्पेस देख लेते हैं पीछे बैठ के। गाड़ी की लेग स्पेस तकरीबन सिटी की जितनी ही है, सीट पूरी पीछे है, लेकिन 5'10" का बंदा, 5'11" का बंदा बिल्कुल आराम से आ सकता है। हेड स्पेस भी गाड़ी की काफ़ी अच्छी है, 3 बंदे इस गाड़ी में आराम से ट्रैवल कर सकते हैं लॉन्ग पे और शॉर्ट पे मेरे नज़दीक। आर्मरेस्ट की ऑप्शन कोई भी नहीं दी गई, और उस साइड पर भी सेम ऑप्शन है ड्राइवर दूसरे डोर की तरफ, इधर एक हैंडल दिया गया है। सेंटर में ऊपर आपको कैमरा लाइट दी गई है हैलोजन में। अच्छा इंडियन मॉडल में एक चीज़ है कि ऊपर इस साइड पर ना, ये इस साइड पे आपको बैक पे AC विंग्स मिल जाते हैं, ऊपर
इस साइड पर लगा हुआ, जैसे आप मैं देखा हूँ हाई रूफ वगैरह में आती हैं उस तरह का यारिस में आपको ऑप्शन मिल जाती है ऊपर एसी विंग्स के। नीचे की तरफ देखें तो आपको चार्जिंग सॉकेट की स्पेस दी गई है, 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट की स्पेस है और बेड इसका फ्लैट ही है, इसकी वजह से 3 बंदे आराम से आ सकते हैं। मजीद बैग की तरफ देखें तो बैग पे आपको कोई स्पीकर नहीं दिया गया, जबकि आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट की ऑप्शन दी गई है। 3 आपको सीट बेल्ट्स मिल जाती हैं बैग पे और गाड़ी का फ्रंट इंटीरियर देखने में काफ़ी डिसेंट लगता है। और थोड़ी बहुत आपको करोला का हैंडल, क्योंकि करोला का लगा हुआ है और CVT आई, तो थोड़ा बहुत आपको टोयोटा की फील आती है या करोला की फील आती है। बाकी हम यही कुछ है इस गाड़ी के इंटीरियर में, एक्सटीरियर में। तो आखिर में गाड़ी की प्राइस की बात करते हैं, तो टोयोटा यारिस 1.5X की प्राइस जो है पाकिस्तानी वो है 30,33,000 रुपीस, और इंडियन मॉडल की जो VX मॉडल है टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है उसकी प्राइस की बात करें तो वो है 14,61,000 रुपीस। तो कन्वर्ट करेंगे तो तकरीबन 1-2 लाख थोड़ी सी महंगी है ये इंडियन मॉडल, लेकिन फिर भी उसके जो अंदर ऑप्शंस हैं जैसा कि क्रूज़ कंट्रोल, उसके अंदर पार्किंग सेंसर्स, उसके अंदर जो AC विंग है बैक साइड पे, पैडल शिफ्टर्स, उसकी जो इंटरटेनमेंट सिस्टम है जो काफ़ी अच्छी ऑप्शन हैं, मतलब इस तरह की काफ़ी एयर बैग्स हैं जैसे कि, तो 2 लाख रुपीज़ जो 2 लाख रुपये ऊपर है उसको जस्टिफाई करती हैं। तो ये था गाड़ी का आज का रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगर रिव्यू में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।